दोस्तों, अगर आप दिल्ली जैसे शहर में हो तो आपको एक बार कुतुब मीनार जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर जाने के साथ ही आपसे कुछ सामान वगैरह ले लिया जाएगा, प्लास्टिक वगैरह बोतल आप अंदर लेके नहीं जा सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पूरी हिस्ट्री आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में इसका कार्य आरंभ करवाया था। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को और बढ़ाया और सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। खूबसूरत सी दिखने वाली मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिस पर कुरान की आयतों की एवं फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई है। यह मीनार नमाज अदा करने की पुकार लगाने के लिए बनाई गई थी तथा इसकी पहली मंजिल बनाई गई थी, जिसके बाद उसके उत्तरवर्ती तथा दामाद शम्स उद्दीन इल्तुतमिश ने 3 और मंजिलें इस पर जोड़ी। तो आपको कुछ बातें बताऊंगा जिनको आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख में लिखा है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद वहां बनाई गई है जहां 27 हिंदू और जैन मंदिरों का मलबा था। दोस्तों, अब कुतुब मीनार के अंदर घूमने जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि यहां पर कुछ लोगों की मौत हो गई थी जिसमें ज्यादातर बच्चे थे, इसलिए अब इसको पूर्णतः बंद कर दिया गया है। दोस्तों, जो कुतुब मीनार आप देखते हो वो पूरी नहीं है, उसके ऊपर भी कुछ टुकड़ा बिजली गिरने के कारण टूट गया था। कुतुब मीनार के दरवाजे को एक नाम दिया गया है जिसका नाम है अलाई दरवाजा, और इसे ही कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहां पर की गई नक्काशियों में आपको हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलेगी जो कि खंडित की हुई हैं। इनमें हिंदू देवी देवताओं के फेस को तोड़ा गया है। मीनार की टोटल ऊंचाई 237.8 फीट है। हर साल लगभग 30 लाख पर्यटक कुतुब मीनार को देखने आते हैं। कुतुब मीनार को लेकर कुछ विवाद भी चल रहे हैं। सर्वे के अनुसार किए गए दावों में इस मीनार में 25 इंच का झुकाव इसलिए है क्योंकि इसे सूर्य का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। 21 जून को जब सूर्य आकाश में जगह बदलता है तो भी कुतुब मीनार की उस जगह पर आधे घंटे तक छाया नहीं पड़ती। यह विज्ञान और आर्कियोलॉजिकल फैक्ट है। इसके दरवाजे नॉर्थ फेसिंग हैं ताकि इससे रात में ध्रुव तारा देखा जा सके। अलाउद्दीन इसके साथ ही एक दूसरी और इससे भी ऊंची मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। यहीं पर लौ स्तंभ भी मौजूद है जो कि हमारे राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनाया था। स्तंभ की एक खास बात है कि इतने साल होने के बावजूद भी इस पर अभी तक जंग नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली जाते हो तो यहां पर घूमने जरूर जाएं। और दोस्तों, ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।